गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट, अपन पिछले में एक्सरसाइज कर रहे थे, 2 वाले खत्म करते हैं उसको। अपन क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर अपना 15 हो गया, 16 हो गया, 17 की बात करेंगे। 17 वाला क्वेश्चन, 16 आधा ही हुआ था। ओके, 16 वाला क्वेश्चन आधा ही हुआ था तो देखते हैं, 16 आधा ही हुआ था उसके आगे बढ़ते हैं। आधा कितना हो गया था, मतलब फर्स्ट पार्ट हो गया था उसका। सेकंड पार्ट देखिए उसका, 7 से लेके 1 तक और 5 तक, ठीक है। अगर अपन बात करें कितना हो जाएगा अपना यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट था उसकी बात करते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और फर्स्ट का कितना होगा 5 था, इसमें अपन 5 देखिए क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का मतलब हो जाएगा, अरे इसके थोड़ी में 5 को बढ़ा रहा है तो 5 को बढ़ जाएगा, बाकी सारा आ जाएगा यहाँ पे। 5 कॉमन बाहर आ गया, बाकी बचना चाहिए। अब देखिए यहाँ से ये 5 है, मल्टीप्लाई कर दो इसको कितना आएगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, 2 × 3 से 6, 6 × 4 = 24, 24 और ये कितना 42, 24 और 42 कितना होता है, कितना आया था 1008 आया था, प्लस का 1 कर दिया, कितना 1009 हो गया क्या। अब देखिए इसका 1009, अब इसका फैक्टर हो सकता है क्या, देखिए इसका कोई फैक्टर नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, इसका फैक्टर नहीं हो रहा। देखिए जब फैक्टर नहीं होगा तो अपन क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे अपन, फैक्टर नहीं हो रहा ना, देखो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, 101 से डिवाइड, तो फैक्टर नहीं होगा इसका, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखा था उसमें, एक सेकेंड वीडियो कुछ अब वीडियो क्लियर है, अब वीडियो क्लियर आ रहा है सभी के पास। ओके 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 ठीक है, दोबारा देखो क्वेश्चन को, आपके पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 था, प्लस का 5 था। अब इसमें मैंने इस वाले में, इस वाले में 5 को मान लिया, यहाँ पे 7 × 6 × 5 बार आ गया, 4 × 3 × 2 = 1, 5 को मान आ गया तो 1 बच गया है, इस पूरे को मल्टीप्लाई 1008 प्लस का 1, इसको ऐड करेंगे तो 1009 आएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए आगे बात करें अपन, तो इसका कोई फैक्टर नहीं हो रहा है, मैंने क्या लिखा है था 9, कुछ पता है क्या, हाँ हाँ देखिए यहाँ पे 5 × 1009 आर प्राइम फैक्टर्स, आर प्राइम फैक्टर्स, सो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गिवन नंबर इज, गिवन नंबर इज उस पे फोकस करते हैं, पढ़े
If SCO42 number 306 से एंड आगे क्या दिया हुआ है इफ SCO42 नंबर 306 अच्छा दो नंबर्स है उनका एसएम नंबर्स क्या क्या है ठीक है ये देखो टू नंबर्स पहले वाले को भी मान लो मैं बताओ क्या है 306 दूसरे वाले को भी मान लो मैं कितना है 657 एसएम ने लिखा हुआ नाइन ना पूछा है एलसीएम पूछा है आपको पता है एलसीएम इनटू एसएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब ए इनटू बी लिख सकता हूं क्या मैं अरे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन-कौन से ए इनटू बी हो गया था या ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मेरी बात को समझ रहे हैं यहां पे सिंपल ऐसे ट्रिक्स ए इनटू बी इनटू सिंपल या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये लो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एलसीएम पता नहीं है एलसीएम कितना नहीं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 इनटू 657 हो जाएगा एलसीएम की वैल्यू कितनी आएगी 306 इनटू 657 अपॉन 9 होगा इससे कैंसिल होगा 3 4 into 657 इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए मैंने 9 से काट दिया इसको 306 को 9 से काट दिया 34 टाइम्स आंसर विल बी दिस ठीक है आपके समझ में आ गया होगा ये बढ़िया तरीके से हां तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर अगर आगे आगे चलते हैं पढ़े आगे चलें ठीक है जी क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है एटीन वाले क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में देखेंगे क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन ए रेक्टेंगुलर क्या लिखा हुआ है वेरेंडा का मतलब बरामदा जो होता है अपने घर पे पहुंच ए रेक्टेंगुलर वेरेंडा इज ए डायमेंशन ऑफ 18 मीटर 72 सेंटीमीटर 13 meter and 30 centimeter square tiles are used to cover it find the least number of square tiles aapko tiles calculate karni hai aapko kya calculate karni hai tiles calculate karni hai tiles calculate karni hai usme dekhiye uski length de rakhi hai uski dimension de rakhi hai uski iski veranda ki yani veranda hota uski baat hi kar rahe hain अरे किसका माइक फोन है अरे जब बंद कर ले रे किसका माइक फोन है अब सही है सुनील देगड़ा देगड़ा साहब अब सही है अरे आप तोड़िए वो हाँ ओके अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है अगर अपन बात करें रेक्टेंगुलर डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाँ डायमेंशन ऑफ 18 वाला कुछ है डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर ऐसे कुछ होगा है ना सही लिखा स्पेलिंग जी ए R A
18 मीटर 72 सेंटीमीटर ओके आप मेरे को बताओ 72 सेंटीमीटर इसको अपन पूरे को क्या कर लेते हैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर अरे मीटर को जब सेंटीमीटर में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का 72 कितना हो जाएगा 1800 प्लस का 72 1872 सेंटीमीटर आ गया है क्योंकि पूरे को किस में चेंज कर दिया आपने सेंटीमीटर में ऐसे ब्रेथ आ जाएगी उसकी कितनी आ जाएगी क्या मीटर है सिंपल और 20 सेंटीमीटर है चेंज कर दो इसको 13 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई 420 इसको चेंज क्यों नहीं किया क्योंकि पहले से किस में सेंटीमीटर में और इसको सेंटीमीटर दिया 1300 कितना 13-20 सेंटीमीटर आ गया अब एरिया निकालेंगे अपन रेक्टेंगुलर बरांडा का कितना हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर उसका मतलब एलसीएम होगा इनका क्या होगा एलसीएम होगा समझ में आ रहा है क्या निकालेंगे उसका एलसीएम निकालेंगे दोनों का मेरी बात को समझ रहे हैं इसका एलसीएम निकालेंगे तो बताओ एलसीएम कैसे निकालेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेंगे ओके हां तो बताओ वही एलसीएम क्या होगा एलसीएम ऑफ 1872 इनटू 1320 जो एरिया होगा वही उसका क्या होगा एलसीएम होगा तो एलसीएम निकालेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताओ पहले 1872 वाले वाले के 2 से डिवाइड करेंगे नरेटर किससे आएगा 2 से करेंगे 4 450 और 468 आएगा आएगा नहीं आएगा 2 3 4 आएगा 1 17 आएगा 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स 9 टाइम्स 3 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स 13 से 1 टाइम्स तो बताइए 1872 क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 2 की पावर 4 3 की पावर 2 एंड 13 चेक कीजिएगा मैंने सही लिखा है ये चेक कर लो एक बार बस साढ़े चलो सही है बिल्कुल अब ऐसे इसका करेंगे 1320 का करेंगे 2 से कर सकते हैं तो इसका आधा करेंगे 650 आएगा और इसका 330 आएगा इसका करेंगे 150 एंड 165 आएगा इसका 3 से करेंगे 5 times 5 times 5 से करेंगे 11 times 11 का करेंगे 1 times 1320 को 2 की पावर 3 3 into 5 into 11 बताइए LCM क्या आएगा अगर LCM निकालेंगे तो सबसे बड़ा वाला होता है LCM सबसे बड़ा वाला होता है सर आंसर इज 4290 ओके थैंक यू सो मच अब देखिए आंसर ही बता दिया गया LCM कितना होगा यहां पे 2 की पावर 4 वाला आएगा आएगा नहीं आएगा अब बताओ 3 की पावर 2 है 3 है 3 की पावर 2 आएगा 13 है 13 भी आएगा 5 भी आएगा 11 भी आएगा सॉल्व कर सकते हैं इसको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़ रही इसको ऐसे रहने दो ठीक है इसको ऐसे रहने दो अब बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा अब देखिए आपको मैं बता देता हूं कि जो आपने जो आपका बरामदा था जो आपका फोर्स था उसका एरिया आपके पास एलसीएम आ गया है अब मेरे को ऐसे बताओ मान लो आपके पास ये एरिया है इसमें छोटे छोटे स्क्वायर टाइल्स लगानी है क्या लगानी है स्क्वायर टाइल्स लगानी है मेरी बात को समझ रहे हो आप स्क्वायर टाइल्स लगानी है तो आपको ये पता नहीं है कितने टाइल्स जरूरत पड़ेगी लेकिन पहले अपने को एक टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा अगर मान लो अपने पास ये पूरा एरिया 100 है 100 है पूरा एरिया और एक टाइल का एरिया मान लो 4 है एक टाइल का 4 है तो ये भी 4 होगा ये भी 4 होगा ये भी 4 होगा होगा नहीं होगा तो अपने को ये पता नहीं कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी 100 पूरा है एक टाइल का कितना है 4 है बताओ कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी 25 की पड़ेगी अरे बोलो पहले का मतलब आपके पास एलसीएम तो आ गया यानी कि जो रेक्टेंगल आपका जो फोर्स था जो आपका बरामदा था उसका एरिया कितना आ गया 20 मेरी बात को समझ रहे हैं लेकिन अपने को टाइम का एरिया पता नहीं है किसका एरिया पता नहीं है टाइम का एरिया पता नहीं है सही बोल रहे हो
स्नेहा होजा श्रीकांत की आप सर एससीएफ निकाल लो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट है, मान गए आपको, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब क्या हुआ, आपने पूरा पूरे ब्राह्मे का एरिया को निकाल लिया, ओके, लेकिन एक टाइल का एरिया चाहिए आपको, एक टाइल का एरिया क्या होगा, इन दोनों का एससीएफ होगा, इन दोनों का क्या होगा एससीएफ। तो क्या करेंगे अपन अब इसके बाद, क्या करेंगे अपन, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल बताओ क्या आएगा, एससीएफ हो इसका, एससीएफ दोनों का एससीएफ होगा ना, और किस किस का, 1872 का, 1872 का, और किस का एससीएफ, 1302 का, 20 का, ठीक है। अब बताओ इन दोनों का एससीएफ बताओ, इसमें 2^4 है, इसमें 2^6 है, छोटे वाला है 2^0, अब इसमें 3^2 है, इसमें 3^4, इसमें 3 है, छोटा वाला कौन सा है, 3 वाला, अब इसमें 13 है, इसमें नहीं है तो नहीं आएगा, इसमें 5 है, इसमें नहीं है तो नहीं आएगा, इसमें 11 है, इसमें नहीं है तो भी नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 8 × 3 कितना आ जाएगा 24। अब अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स कैलकुलेट करेंगे, रिक्वायर्ड टाइल्स क्या होंगे, रिक्वायर्ड टाइल्स बताओ क्या आएगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइम होगा, क्या होगा, सही बोल रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा, 2^4 × 3^2 13 × 5 × 11 अपॉन कितना आएगा 24। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद कितना हो जाएगा 16 × 9 एक बार इतना स्क्रीनशॉट दिख नहीं रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स या रिक्वायर्ड टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कांडा अपॉन एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल, तो कितना 2^4 × 3^2 13 × 5 × 11 24 प्लस सोल कर लो 16 × 9 13 × 5 × 11 नीचे 24 है, काट दो इसको, ये 8 × 2 times ये 8 × 3 times 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, इसको काट दो 3 से, कितना आएगा 2 × 3 × 2 ये 65 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 × 11 = 66 × 65 तो आया करेंगे, तीस 36 4 × 9 = 0 लेकिन टाइम से जो पड़ेगी आंसर आ गया, ठीक है जी। अब देखिए 18 वाला क्वेश्चन हो गया है, कौन सा वाला हो गया है 18 वाला, 19 वाले क्वेश्चन आ जाओ, नाइनटीन वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको प्रूफ करना सभी क्या होनी चाहिए, इरेशनल नंबर होनी चाहिए, 19 वाला क्वेश्चन है वो देखो,
19 का सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है वो 5 into 2। ध्यान रखिए आपको ये क्वेश्चन किस तरीके का है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड चेक कर सकते हो आप, बिल्कुल वैसा ही है, बस डिजिट चेंज है। चेक करो देखिए वहां पे 3 into 2 होगा सर, है ना। सेम क्वेश्चन है आपको भी करना है, क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कहाँ है, सेकंड नहीं इसका फोर्थ पार्ट देखो, 4+2 ये किस टाइप का है, ये उसी एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड जैसा है, ये भी आपको करना है, ठीक है, कर सकते हो आप लोग। अब आ जाओ 19 का थर्ड देखो, 19 का थर्ड है लेट कर लिया आपने, लेट नहीं सेकंड, सेकंड इसका सेकंड देखो, लेट कितना है 2/√7 इज ए रैशनल नंबर। आपको पूछा क्या है वो, आपको ऐसे पूछा है कि इरेशनल नंबर प्रूव कीजिए, लेकिन मैं क्या करके चल रहा हूँ, उल्टा करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को ऐसे बताओ आप इसको क्या लेंगे, कट दे याद दे कुछ 2/√7 को p/q लिखते थे, लिखते थे। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, पढ़े यहाँ पे वह 2≠0 एंड pn2 and r को प्राइम इंटीजर्स, याद आ रहा होगा कुछ इंटीजर्स। अब आप मेरे को बताओ इसको कैसे लिखेंगे, √7p = 2q, तो अब क्या लिखेंगे, √7 = 2q/p। अब इसकी लैंग्वेज, अब इसकी जो लैंग्वेज लिखोगे वो जो इसकी लैंग्वेज लिखोगे, अरे पता है ना आपको इसको क्या लेट करोगे, बताओ देखे इसको क्या लेट करोगे आप, 5√2 क्या लिखोगे इसको, 5√2 p/q लिखोगे, इसको 5 नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, याद आ रहा है कुछ, √2 = p/5√2। अरे जो इसकी लैंग्वेज लिखोगे वो इसके आगे लैंग्वेज लिख सकते हो क्या, मेरी बात समझ में आ रही है क्या। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन को आप क्या लिखोगे, p/q लिखोगे, इस क्वेश्चन को बोल रहा हूं मैं, 5/√2 को क्या लिखोगे, p/q लिखोगे, 5 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, इसकी जो लैंग्वेज आएगी अब आगे की वो इसकी लैंग्वेज होगी। एक बार यस और नो में कमेंट करो कि इसको कर सकते हो क्या, इसके आगे लैंग्वेज लिख लोगे, अरे हो जाएगा ना, कर लेंगे सर, तो बेटा आज ही करना है, आज ही करना है। अब आ जाओ इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला क्या बोल रहा है, इसका कितना है 3/√5। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका 19 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या बोल रहा है, 1/√3 is a rational number, ठीक है, लेट करते हैं ना, ये क्या करते हैं लेट, एंड 3/√5 को क्या लिखेंगे, 2/√2 लिखेंगे, √0 and p and q are co-prime integers। ये तो पूरी चीज लिखवा रखी मैंने। अब आप मेरे को बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2√5p = 3 क्यों आएगा, √5 को यही रहने दो, 3q/p क्या अब हो जाएगा क्या, आगे इसमें वही लैंग्वेज लिखनी है
जो ये इसमें इसमें भी वो लिखनी है तो इसमें लिखेंगे। एक है क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट, 20 का जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल कॉपी पेस्ट है 1 3 4 1 2 3 4 5। बताओ देखिए कौन से टाइप का क्वेश्चन है 1 2 3 4 5। आपको पूछा क्या है वो देखिए मैं बोल रहा हूँ। राइट कैन यू अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ये किस टाइप का क्वेश्चन है 20 वाला, इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बताने हैं। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है। एक है ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड उसी तरीके का क्वेश्चन है। और इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो उसका अगला क्वेश्चन है 43.1 से लेके भी क्वेश्चन सेम ही है। सही सेम नहीं है उसके बाद 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लो एक है ये आपका उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड वाला है। ठीक है ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे आपके उसी तरीके से करना है। समझ गए होंगे आप लोग बहुत बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। कौन से क्वेश्चन पे आ जाओ 13 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 13 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उससे बात करते हैं। 13 और 14 दो क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4q + 7 4q + 3। लेट कर लिया आपने लेट ए इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है पॉजिटिव और इंटीजर। ठीक है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बोल सकते हैं पढ़े a = bq + r। यहाँ पे बताओ b की वैल्यू क्या होगी सम में 4 आ रहा है क्या तो b की वैल्यू 4 तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी a = 4q + r आएगा भी आएगा। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी 0 से लेके 4 तक। मेरी बात को समझ रहे हैं मैंने आपको एक पहले भी चीज बता चुका हूँ यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3 तक जाएगा। If r इक्वल टू 0 तो बताओ नंबर क्या आएगा a = 4q + 0 मतलब कितना हो जाएगा 4q हो जाएगा। If r इक्वल टू 1 तो बताओ a = 4q + 1 हो जाएगा। If r इक्वल टू 2 तो बताओ a = कितना आएगा 4q + 2 आएगा। If r equal to 3, a = 4q + 3 होगा। ठीक है तो आप मेरे को बताओ जिसमें रिमाइंडर 0 2 आता है। देखो इसमें रिमाइंडर 0 है इसमें रिमाइंडर 2 है 1 और 3 वाला क्या हो जाएगा ऑड इंटीजर क्या बोलेंगे। Hence any positive integer and any positive odd integer can be written as 4q + 1 or 4q + 3। यही तो आपको करना था। मेरी बात को समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का।
हाँ जी लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव है क्या? हाँ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू, ओके डिविजिबल बाय टू, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जैसे मान लो पहला पॉजिटिव इंटीजर 6 है अगला है 7, अगर पहला 8 है अगला 9, अगर पहला 10 है अगला 11, अगर पहला 12 है अगला 13, पहला 100 है अगला 101 होगा, तो बात जो बिल्कुल होगा। अब देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 मारा है मैंने लेट कर लिया, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव पहले को एन मान लिया दूसरे को एन प्लस वन मान लिया, मान सकता हूँ अगर पहला मेरा एन है तो अगला मेरा क्या आएगा एन प्लस, प्रोडक्ट कर दो इसका, क्या कर दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बाद में करेंगे, चलो प्रोडक्ट कर दूंगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स प्रोडक्ट बोला उसने एन इंटू एन प्लस वन एन स्क्वायर प्लस एन है, लेकिन अपने को पता है क्या बोल रहा है, टू से डिविजिबल होना चाहिए, किससे डिविजिबल होना चाहिए टू से, जो दो वो आपने कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर लिए हैं इनका जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी कि जो आपके पास जो वैल्यू आई है ये किससे डिविजिबल होना चाहिए टू से, मेरे को ऐसे बताओ पहला मेरे इंटीजर 5 है या क्या होना अच्छा है मल्टीप्लाई में कितना आएगा 13, 32 से डिविजिबल होता है, होता है सर, अगर पहला 11 ले लिया अगला वाला 12 ले लिया 1 कितना आएगा 132 आएगा, 132 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है सर, यानी कि कोई भी पहला पहला 1 ले लिया दूसरा 2 तो बताओ 2 आएगा, 2 से डिविजिबल होता है, होता है, ये तो बात को समझ में आ गई सर, लेकिन अब करें क्या, करें क्या कि इसको लिखें कैसे, बात एज बी नो दैट, एज बी नो दैट एनी पॉजिटिव, एनी एनी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज टू क्यू प्लस वन, वेयर क्यू इज ए वेयर क्यू इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी इंटीजर नंबर को आप लगातार 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में, मैंने 2 की क्यों लिखा, वो किससे डिविजिबल कर रहा है, टू से डिविजिबल कर रहा है, मैंने क्या लिखना पड़ेगा 2q की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, देखिए मैंने 2q 2q प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि सब लगातार है, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, अरे बोलो उस तरीके को मैं प्रूव करना है कि वो सब लोग सर सही दिख रहा,
समझ में नहीं आया बेटा, स्नेह क्या बोल रहे हो आप लोग? तो क्यू इज द पॉजिटिव इंटीजर। अब मेरे को बताओ पहली कंडीशन, इफ एन की वैल्यू अगर मैं 2 क्यू लिखूं, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, एन की वैल्यू 2 क्यू लिखूंगा, तो बताओ मेरे एन स्क्वायर प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन इक्वल 2 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू आएगा, तो 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू हो जाएगा, क्या लेट कर दिया इसको m लेट कर लो, ऐसे m कर लो, क्या कर लो m लेट कर लो, तो कितना आ गया 2m आ गया। अरे क्या ये 2m 2 से डिविजिबल है? क्या है होगा कि होगा? और n की वैल्यू क्या आ गई? ऐसे इफ n इक्वल टू क्या कर दोगे 2 + 1, क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 2q लास्ट में 4q स्क्वायर, मैंने ये प्लस लिखा हुआ इस पर बोल दिया है 2q प्लस 1 आएगा यहाँ पे, तो प्लस 1 2q प्लस 1 तो 4k स्क्वायर प्लस 6q प्लस का 2, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, अरे 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस का 1, बताओ ये मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा तुम से, तो नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अरे इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, टाइम आउट हो गया है, टाइम आउट हो गया है, लाइन लिखा देंगे कल, एक लाइन बची हुई है, एक लाइन बची हुई लास्ट में लाइन लिखा देंगे कल, ओके।